गुड इवनिंग एंड वेलकम। भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पे, भ्रष्टाचार पे आपके साथ चर्चा चल रही है। तो भ्रष्टाचार पे चर्चा आकर के लोकायुक्त और लोकपाल पे खत्म होती है। लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 में पारित हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि समाजसेवी, प्रतिष्ठित समाजसेवी अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में उस दौरान बड़ा एक लोक आंदोलन चला, जिसमें जन लोकपाल लाने के लिए दबाव डाला गया और तदनुसार आपके भारत सरकार ने लोकपाल कानून 2013 पारित किया। तो लोकपाल और लोकायुक्त में मूल अंतर क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त अलग अलग है। संघ के लिए लोकपाल है, जिसमें आपका लोकपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके लिए राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर और प्रधानमंत्री से सलाह की जाएगी। 2016 में इसे संशोधित किया गया और स्पीकर जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ, या जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता के साथ, सदन का जो नेता है उनके साथ परामर्श के बाद लोकपाल की नियुक्ति होगी। संघ सरकार के सभी मंत्री, सभी संसद सदस्य, ग्रुप ए बी सी डी के सारे अधिकारी के विरुद्ध जाँच के इसको अधिकार है। ये सीबीआई के थ्रू भी जांच करा सकते हैं और जांच के दौरान सीबीआई डायरेक्टर को सरकार नहीं हटा सकती, लोकपाल के पैरवी और अनुमति की जरूरत होगी। ये प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस लोकपाल में जो 1968 से चर्चा चल रही थी कि किस किस को रखें किस किस को नहीं रखें, एक हेजिटेशन होता था। सबसे बड़ा मुद्दा आकर के, क्योंकि पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1968 में इसकी अनुशंसा की थी, ओम्बुड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन की। 69 में पहली बार इसे रखा था और अब के बाद कम से कम 9 बार इसे भारत की संसद में रखा गया। हर बार आकर के ये रुकता था कि मंत्रियों को इसके सामने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केवल अधिकारियों को होना चाहिए, इसमें के विरुद्ध जांच का अधिकार होना चाहिए, सांसदों को नहीं रखा जाना चाहिए इसके अधिकार क्षेत्र में, फिर मंत्रियों को नहीं रखा जाना चाहिए, और लास्ट में आकर के कि प्रधानमंत्री पे भी, कि नहीं जी प्रधानमंत्री को भी रखो। तो कई बार भारत सरकार इस चीज़ को लेकर के हेजिटेट करती थी, मतलब एक वो दिखाती थी कि नहीं भाई हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता था। लेकिन अब जो लोकपाल लाया गया है, इस लोकपाल में आपका इस बार के लोकपाल में प्रधानमंत्री को और भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को भी इसके जांच दायरे में लाया गया है, ठीक है।
लेकिन इस संदर्भ में यह है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, प्रतिरक्षा के संबंध में और आणविक ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा कानून और व्यवस्था के संदर्भ में इस कोई इस प्रकार की शिकायत या जांच नहीं होगी, ठीक, बाकी मामलों पे हो सकती है। तो ये लोकपाल है संघ के लिए, और राज्यों के लिए लोकायुक्त हैं, जो लोकायुक्त होंगे 6 साल के लिए, लोकायुक्त और उपायुक्त, उप लोकायुक्त की नियुक्ति भारत वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे लोकायुक्त या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे। जो लोकायुक्त उप लोकायुक्त होंगे या तो वो न्यायाधीश ही होंगे या फिर वो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे जिनका वेतनमान संघ सरकार के अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होना चाहिए। इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए होगी। सभी मंत्री, सभी विधायक और राज्य सरकार के सभी अधिकारी इनके जांच के दायरे में होंगे। यही इसकी मेन मेन बातें हैं। बट ये है कि भाई इफेक्टिवनेस की जो बात है कि कितना इफेक्टिव हुआ है, तो इफेक्टिवनेस का ये है कि भाई देखिए, भारत में भ्रष्टाचार एक एक जैसे कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार भारतीयों के डीएनए में है, ऐसा कई बार एक एक मुहावरा सा बन गया है। क्योंकि लोकपाल जो जांच करेगा वो तो 1% भी भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे दैनिक जीवन के हर आयाम में हम भ्रष्टाचार देखते हैं, ठीक है भाई। आप देखिए, एक साधारण सा गांव का दूध बेचने वाला 1 किलो दूध में पानी, 2 किलो पानी मिला करके बेचता, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? उस भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? जो दूध में यूरिया और डिटर्जेंट पाउडर मिला करके सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी प्लांट लगे हुए हैं, लोहे बड़ी बड़ी लोहे की गायें लगी हुई हैं जो ऐसा दूध दे रही हैं, रोजाना ये बिक रहा है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, किडनियों को खराब कर रहा है, पाचन तंत्र को खराब कर रहा है, स्लो पॉइजन हमें दे रहा है दूध के रूप में, इसकी जांच कौन करेगा? क्या लोकपाल करेगा? क्या लोकायुक्त करेगा? ठीक है, जो मिठाइयों के नाम पे नकली खोया हमारे बच्चों को और हमें खिलाया जा रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? रोजाना कई मिलियन टन नकली पनीर भारत में बिकता है, इसकी जांच कौन करेगा? रोजाना हजारों करोड़ की नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन भारत में बिकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपदा के दौरान, कोरोना के दौरान रेमसिडिविर इंजेक्शन जो पता नहीं कितने हजार का था, 72 हजार का था या ऐसे था, वो भी नकली बना दिया। उत्तराखंड में कोटद्वार एक जगह है, वहां पे रेमसिडिविर इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री लग गई, इतनी जल्दी, हफ्ते भर में ही फैक्ट्री लग गई। आप समझ रहे हैं? तो इस भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? तो ये प्रश्न आता है कि भारत में जब भारत में भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त तो हल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हर जगह देखिए, आप मसाला खाते हैं, ठीक है, मसाले वाला जो है मसाले में धनिया के पाउडर में घोड़े की लीद मिला लेते हैं, पूरा षड्यंत्र चलता है कि घोड़े की लीद मिला दो, और बाहर से लिख देंगे कि नवरात्रों के लिए शुद्ध मसाले हमारे यहाँ से पाए, धनिए के पाउडर में बुरादा, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा या घोड़े की लीद मिला देनी है, ठीक, हल्दी में रंग मिला देना है, मिर्च में लाल रंग मिला देना है, सरसों के तेल में सारा पाम ऑयल मिला देना है, घी का तो बड़ा रैकेट चल रहा है उत्तर भारत में कि मरे हुए जानवरों की हड्डियों को पीस करके उसके फैट्स का यूज करके घी बनाया जा रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है खूब दानेदार घी, और हमारे सेहत को नष्ट कर रहा है। तो भ्रष्टाचार, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है उसके भ्रष्टाचार से तो जो उसको घूस दे रहा है वो व्यक्ति ही पीड़ित हो रहा होगा, लेकिन ये जो चौं ओर फैला हुआ भ्रष्टाचार है, हमारे दवाइयों के रूप में हमारे शरीर में जा रहा है, नकली घी के रूप में, खोए के रूप में, जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर तनख्वाह लेकर के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, उस भ्रष्टाचार को कौन देखेगा? जो नींव कच्ची हो जा रही है, जब बच्चों को कोई टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, ठीक है, तो क्यों ट्यूशन आएगा बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं पढ़ाना उसको, ठीक है, तो फिर उस भ्रष्टाचार की जाँच कौन करेगा जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा? तो इसलिए लोकपाल और लोकपाल जैसी संस्था जरूर है, लेकिन जब तक हम समग्र सामाजिक परिवर्तन और समग्र सामाजिक सोच के में बदलाव के लिए रणनीति नहीं बनाते। प्रशासन कितना है? 1% भी पूरे भारत प्रशासन को ले लीजिए, 1% भी नहीं है, यहाँ तो करोड़ों सैकड़ों करोड़ का देश है, 135 करोड़ का देश है, ठीक है। तो इसलिए केवल एक पाल और एक लोकायुक्त तो
इतनी बड़ी, ठीक है, ये जो है वो उसको निपटने के लिए हमें एक लोकपाल की नहीं, ठीक है, हमें राज्य स्तर पर और निचले स्तर पर भी इस प्रकार की संस्थाएं चाहिए, जिला स्तर पर भी इस प्रकार की संस्थाएं चाहिए, ठीक है। प्लस कि जो निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार है, ठीक है, जो हर क्षेत्र में हम देखते हैं, मिलावट है, काम चोरी है, अदक्षता है, ठीक है, एक अधिकारी घूस खाता है वो भ्रष्ट है, लेकिन जो जो तनख्वाह लेकर के काम नहीं करता, दिन भर गप्पाजी करता है मोबाइल फोन पे, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से गेम खेलता रहता है, कैंडी क्रश सागा खेलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, उस भ्रष्टाचार का निवारण कौन करेगा। तो इसलिए लोकपाल और लोकपाल संस्था सकारात्मक कदम है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं उठाया जाना, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं है, बहुत सारा कुछ किया जाना बाकी अभी और है, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि लोक प्रशासन का लगभग सारे टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए मैंने रखे, और ये मेरी कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए, बहुत अच्छी तो ये वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि किसी किसी में प्रॉब्लम्स है वॉल्यूम्स की, और ठीक है बैकग्राउंड में यहाँ पे मेन रोड पे हम वीडियो बनाते हैं, इस ऑफिस मेन रोड पे है तो कई बार बड़ा नॉइस भी आता है वीडियोस में, बट फिर भी एनी हाउ आप लोग देख रहे हैं और मुझे सब इसको मैं चीज़ को मैं रीड कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी आपको जितना भी इससे फ़ायदा मिल पाया हो, किसी भी बच्चे को अगर इन वीडियोस को देख के कोई सिलेक्शन ले लेता है तो मेरी मेहनत कामयाब हो गई, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।